तो फाइनली दोस्तों, कपिल वर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी राष्ट्र का वच ओम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस मूवी को वर्ल्ड वाइड 2000 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी का बजट था 40 करोड़। तो बात करते हैं इसके लीड रोल के, दो गए आपको इसके लीड रोल में आदित्य रॉय कपूर, संजना सांघी, जगदीश राव, आशुतोष राणा और प्रकाश राज इस मूवी के लीड रोल में आपको नजर आए थे। और फिर बात करते हैं इस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो गाइस इस मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन रहा था 1,51,00,000 रुपये। और फिर बात करते हैं इसके दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो इसने अपने दूसरे दिन थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला था। इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 1,70,00,000 रुपये का कलेक्शन किया था। और इसके तीसरे दिन की बात करते हैं, इसने अपने तीसरे दिन भी थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला, 1,90,00,000 रुपये का कलेक्शन किया था। और फिर बात करते हैं इसके चौथे दिन की, तो चौथे दिन इस मूवी ने 1,16,00,000 रुपये का कलेक्शन किया था। और फिर बात करते हैं इस मूवी के पाँचवें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो गाइस इसने अपने पाँचवें दिन 1,01,00,000 रुपये का कलेक्शन किया था। और फिर बात करते हैं इसके छठे दिन के कलेक्शन के बारे में, यानी कि आज के दिन इस मूवी ने कितनी कमाई की है, तो गाइस आज के दिन ये मूवी अपने मॉर्निंग में ही 80 से 90 लाख रुपये की कमाई कर रही है। और फिर बात करते हैं इसके टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइस इस मूवी ने अपने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड से 8,38,00,000 रुपये का कलेक्शन किया है, जो कि शानदार रहा है गाइस। और इस मूवी को बजट के हिसाब से बात करते हैं इस मूवी के हिट और फ्लॉप की, तो गाइस इस मूवी को हिट होने के लिए 50 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। बात करते हैं इस मूवी के हिट और फ्लॉप की, तो गाइस ये शायद से ये मूवी आने वाले टाइम पर फ्लॉप साबित हो सकती है, क्योंकि हिट होने के लिए इस मूवी को 50 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।